हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी और आलू का बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता जो झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए, नाश्ता शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। सूजी और आलू का नाश्ता बनाने के लिए हमने ये चार आलू को उबाल कर इनको हमने कद्दूकस कर लिया है। ये एक बड़ा प्याज हमने बारीक काट लिया, ये धनिया की पत्ती, और ये हमने ली है 100 ग्राम सूजी। तो चलिए हम गैस का फ्लेम ऑन करते हैं। इस पर हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देते हैं। पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा ये पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और आधा चम्मच अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी मिर्च डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। ये हम बिना मसाले के भी बना सकते हैं लेकिन हम थोड़ा चटपटा बनाएंगे तो इसलिए हमने थोड़े मसाले डाल लिए हैं। ये अब हम सूजी को इसमें थोड़ी थोड़ी डालते हुए इस तरीके से मिलाते रहेंगे ताकि हमारी सूजी में जो लम्स न पड़े, गांठें न पड़े। तो इसलिए हमको थोड़ी थोड़ी सूजी डालकर इस तरीके से मिलानी है। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसकी इस प्रोसेस में 10 मिनट का टाइम लग जाता है तो इसको हमें इस तरीके से सब मिला लेना है। और अब हम इसमें जो हमने आलू उबाल कर कस रखे हैं इनको मिला देंगे और ये एक प्याज जो हमने बारीक चॉप कर लिया था और ये हरे धनिया की पत्ती, इन सबको हम इन इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जैसे ये थोड़ा गुनगुना सा हो जाएगा हम इसको आटे की तरह इसका डो तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम आटे की तरह इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। इस तरह हम आटा गूंथते हैं, इस तरह से इसको अच्छे से मसल मसल के इस तरीके से हम अच्छा बना लेंगे इसको। अब हम हाथ पर थोड़ा ऑयल लगाकर इसको इस तरीके से छोटी लोई सी बनाकर इसको इस टाइप टिक्की के आकार का बना लेंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसको किसी भी आकार में बना सकते हो। देखो ये मैंने सारे ये बना लिए हैं। अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी और ये मैंने ऑयल डाला है, ये भी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें टिक्की डाल दूंगी। इस तरीके से मैं इसमें ये सारी टिक्कियाँ डाल देती हूँ। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप इनको फटाफट बच्चों के टिफिन में बनाकर दे सकते हो, सुबह चाय के साथ बनाकर खा सकते हो। अब इसको उनको मैं पलट देती हूँ। टिक्कियाँ एक साइड से सिक गई हैं। देखो इनका कलर भी कितना अच्छा आ गया है। इसको हम को मीडियम मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है क्योंकि हाई फ्लेम पर जब हमारी ये टिक्कियाँ हैं इतनी ज़्यादा कुरकुरी नहीं बनेंगी, तो इसलिए हमको मीडियम फ्लेम पर इनको बिल्कुल एकदम क्रिस्पी और एकदम कुरकुरी बनाना है। देखो ये कितनी अच्छी टिक्कियाँ बन गई। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इनको इस तरीके से हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। आप सुबह नाश्ते में इनको फटाफट बनाकर सर्व कर सकते हो, बच्चों के टिफिन में दे सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।